भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंदुलकर, मुख्यमंत्री पारसेकर, रक्षा मंत्री परिकर, आयुष मंत्री श्रीपाद नाइक, सबसे निवेदन करता हूँ कि वे हमारे देश के प्रधानमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत पुष्पमाला पहना कर करें। भारत माता की। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो। देश का नेता कैसा हो। धन्यवाद। अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता और लाडले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें सबको संबोधित करें। पहली आमचे रक्षा मंत्री मनोहर भाई परिकर हंगा विनंती करता कि तंचानी आजच्या सभेक संबोधित करचे। तुमका सगळ्यांक हाँ सगळ्यांचे आभार मानता कि या धंपारच्या कडान वतान सुद्धा तुम्ही हंगा आयले। माचेर आशिले आमचे देशाचे आणि आमचे सगळ्यांचे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गोयचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर, आमचे उत्तर गोयचे खासदार आणि आयुष्य मंत्री श्रीपादजी नाईक, पक्षाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर जी, बाब राजेंद्र आर्लेकर, दयानंद मांद्रेकर, अनिल होबळे, प्रकाश वेळीप, दक्षिण गोयचे खासदार नरेंद्र सावईकर, आमचे सदानंद तानावडे आणि कुंदाताई चोडणकर, डॉक्टर फडके आणि तुम्ही मोठ्या संख्येन हंगा आयले गोयचे नागरिक भाव भयणांनो, 4 तारीख गोयचे भवितव्य ठरवणारी तारीख आसा। 2012 भारतीय जनता पक्षाक तुम्ही सगळ्यांनी स्पष्ट बहुमत दिले। गोयच्या राजकारणान गेल्या 56 वर्सान केवळ 9 वर्सा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असा, पण गेल्या 9 वर्सा भीतर भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गोयच्या एकूण सामाजिक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर लेवलान जो बदल घडून हाडला तो म्हाका दिसता उरलेली 47 वर्सान काँग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या सरकारांक केन्ना जमून ना। गोयाक 1987 घटक राज्य मेळ्ळे। घटक राज्य मेळटकच पहिली निवडणूक 89 झाली आणि स्वार्थान इनडिसिप्लिनान आणि मस्ती मारलेल्या काँग्रेस पक्षान फुडल्या 10 वर्सान आमकां 12 मुख्यमंत्री दिले। गोयची लोकांच्या संदर्भात चिंता करपाची कोणाक भानूच उरूंक नासले, आपणे मात्र ही संगीत खुर्ची कशी मेळोवपाची हाजेच प्लॅनिंग चालू आशिल्ले। आणि म्हणून जेव्हा 2000 सालान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयले त्यांना आम्ही पहिल्या खेपा घटक राज्य असलेल्या गोयाक स्टेबिलिटी दिली आणि स्टेबिलिटी बरोबर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी दोनूय दिले। परत 7 वर्सा काँग्रेसचे राज्य झाले, म्हणजे ह्या 7 वर्सान परत गोयची प्रगती ठप्प झाली, भ्रष्टाचाराचो कळस झालो। काँग्रेसचे नेते दिल्लीच्यान येताले आणि बॅगां भरून घेऊन परते वताले। मायनी बेकायदेशीर मोठ्या प्रमाण काढून हातूंच्यान मेळलेले भ्रष्ट संपत्तीन
गोयचे काँग्रेसचे नेते मालामाल झाले आणि केंद्रीय नेत्यांकू ही चटक लागली. ही चटक इतकी पॉवरफुल आशिल्ली की ज्यांना 2012 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले त्या वेळार त्यांना विड्रॉल सिम्पटम्स खूप पडलेले. आता जे नेते येतात हे लोकांक गोयच्या लोकांक पिशे करपाक येतात. आपले किती तरी स्टेटमेंट करप आणि गोयकारा खातीर काय करप ना हाज्या पलीकडे हांका व्हडलोसो इंटरेस्ट ना. आणि म्हणून जेव्हा 2012 आमचे सरकार आले आणि जेव्हा गोयाचेर आर्थिक संकट आले त्यांना केंद्रात बसलेल्या काँग्रेसीच्या सरकारान उज्यान तेल ओतले. सुप्रीम कोर्टान मायनीचेर बॅन घाल्लो हांच्यानी ईसी एनवायरमेंट सर्टिफिकेटात ती रद्द करून उडयली. गोयाक एका आर्थिक संकटाच्यान वच्चे पडले. मदत करपाची सोडून दी पण अडथळे हाडपाचो प्रयत्न आलो. पण आम्ही जी उतरां लोकांक दिल्ली इतले मोठे संकट येऊन सुद्धा ती उतरां आम्ही पूर्ण पाळली. इन्फ्रास्ट्रक्चरचेर असत मागीर तातून मांडवी पूल असत कालवीचो पूल असो एका वर्सा भितर आम्ही पूर्ण केलो दिल्ले उतर पाळून. व्हॅट गोयान टॅक्स ना केलो आणि त्यामुळे गोयान पेट्रोल सगळ्यांक सवाय असा. आयजूय हे महाराष्ट्र कर्नाटकापेक्षा 14 ते 15 रुपया कमी असा. ठरलेल्या प्रमाणे लाडली लक्ष्मी स्कीम 55,000 चलियांक ह्या स्किमीचो फायदो आला. साधारण 47,000 तांचे पैसे 1,00,000 तांच्या खात्यान जमा झाला. एक सेल्फ कॉन्फिडन्स चलियांक आणि चलियांच्या आवय बापायक दिवपाक भारतीय जनता पक्ष सक्सेसफूल झालो, यशस्वी झालो. सरकार येऊच्या पहिले 908 चलियो 1,000 चल्या फाटल्यान जो रेट आशिल्लो तो आयज 860 पलीकडे पावला. सेक्स रेशियो गोयान जवळजवळ बॅलन्स जावपाक लागला. म्हाका दिसता सगळ्यांक व्हडले ह्या योजनेचे यश असत जाल्यार ह्या सेक्स रेशियोच्या बॅलन्सिंग जावपाच्या प्रक्रियेन आसा. आयज खंयच्याच बापायक आवयक अशें दिसना की चली जावप म्हणजे बर्डन आयले तकलेचेर, चली जावप म्हणजे अडचण आयली अशें दिसना. हे कॉन्फिडन्स आयले. बायलांक आमी ग्रह आधाराच्या माध्यमांच्यान तांची आर्थिक इंडिपेंडंट तांकां केली आणि तातूंच्यान आयज ती स्वता एक आर्थिक इंडिपेंडन्स अनुभवतात. 1,500,000 महिलांक तांच्या बँकांच्या खात्यान वता. डीएसएस असत, अनेक अन्य स्किमी असत, हांव स्किमी सांगिना, सोशल सेक्टर असत, इन्फ्रास्ट्रक्चर असत. भारतीय जनता पक्षान दोनूय हातून अनप्रेसिडेंटेड जितले गोयकारांनी केन्ना पळोवंक नासले इतले करून गेल्या 5 वर्सांनी दाखयल्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर अनेक प्रकल्प आमकां प्रधानमंत्री तांच्या पाठिंब्यान आणि नितीनजीच्या समर्थनान अनेक प्रकल्प मेळ्ळे. नॅशनल हायवे 60-17 सिक्स लेनिंग असत, 4 लेनिंग असत. जुवारीचो पूल 1996 कोसळपाक आयल्लो. प्रताप सिंग राणेन येऊन असेंब्लीन आमकां हांगले पूल कोसळपाक आयला आणि त्यामुळे 6 महिने गोयच्या लोकांक फेरीवटेन वच्चे पडले. विचार करा आजच्या दिसा जर तू त्या पुलाक किरे झाले जाल्यार फेरीबोटींच्यान आम्ही पलतडी वचूंक शकतले काय किरे. गोयकारांनी वो विचार करपाची गरज असा. कारण 96 पुलाक धोक्याची घंटा वाजलेली म्हणल्यार काँग्रेसच्या सरकारान 96 पासून 2000 पर्यंत आणि मागीर 2005 पासून 2012 पर्यंत काय एक केले ना, कसल्याच प्रकारचे प्लॅनिंग केले ना. भारतीय जनता पक्षाचे 2000 सरकार आयले, तांच्यांनी हे प्लॅनिंग केले. अटलजीच्या सरकाराकडे आम्ही स्कीम घेऊन गेली, दगा फटा करून आमचे सरकार उडयले. पण 2012 परते सरकार येतकच हे फुडे व्हरून जेव्हा प्रधानमंत्री मोदीजी झाले तांच्यांनी गोयच्या पहिल्याच कार्यक्रमात ही घोषणा केली की जुवारी पूल आम्ही पूर्णत्वाक व्हरतले. आणि नितीन गडकरीन ही प्रायोरिटी घेऊन म्हाका आनंद आता सांगपाक हो पुलाचे काम आयज चालू जाल्ले असा. हे हो पूल फुडल्या 2-3 वर्सांनी पूर्ण जातलो. दक्षिण आणि उत्तर गोयात बांधणारो हो दुवो
भारतीय जनता पक्षामुळे निर्माण जातलो हे सगळ्या गोयकारांक आम्ही सांगपाची गरज असा. आणि म्हणूनच हांव सांगता खंयचेय सेक्टर असत, इन्फ्रास्ट्रक्चर असत, टुरिझम असत, भारतीय जनता पक्ष हे ताका एकमेव उत्तर असा. गोयान सगळ्या पार्ट्यांक आज स्वप्नां पडटा ज्यांच्यानी आमच्या बरोबर 4.5 वर्सां सत्ता उपभोगली आणि आमचे उतर आम्ही दवरले कारण युतीन आम्ही लढाई केली, त्या पक्षाक आज मुख्यमंत्री करपाची स्वप्नां पडटा. स्वप्नांच असुनी ती, स्वप्नांच्यान जागे बाबडे केन्ना जावचे ना. कारण फुडल्या काळान भारतीय जनता पक्ष सत्तेर असतलो, 26 कमीत कमी आमदार घेऊन, आणि त्यामुळे आमका कोणाक दुसऱ्याची मदत मागची गरज पडची ना. येत्या त्या 5 वर्सान दिल्ली कामां पूर्ण करप, इन्फ्रास्ट्रक्चराची पूर्ण करप, नवीन उरल्या ती पूर्ण करपाक घेवप, सोशल सेक्टराचेर हाज्या फुडे प्रगती करप, हाज्या फुडे हांव सांगूं सोदता गोंयान जी बेकारी आसा ती बेकारीचे निर्मुलन करपाचो विडो भारतीय जनता पक्षान उचललेलो आसा. आणि आज हांव तुमकां उतर दिता, स्कील डेव्हलपमेंट, स्टार्टअप्स असे अनेक उपक्रम ज्याच्या माध्यमांच्यान फुडल्या 5 वर्सान, मागीर ते मोपा एअरपोर्ट असत किंवा गोवा शिपयार्डाचे एक्सपान्शन प्लान असत, आज गोयकारांक आम्ही उतर दिवंक सोदता की गोयान मोठ्या प्रमाणाचेर रोजगार निर्मिती करून, नोकऱ्यो उपलब्ध करून गोयकारांक जे आज एम्प्लॉयमेंटाचो प्रॉब्लेम असा तो फुडल्या 5 वर्सांक आम्ही सोडयतले. आणि हातून आमकां केंद्राची मदत असतली हाजी ग्वाही आज हांगा दिता. हांव तुमचो सगळ्यांचो निरोप घेता असताना तुम्ही सगळे जण प्रधानमंत्र्याचे भाषण ऐकपाक आयल्या, त्यामुळे डायस आणि माईक तांकां खुलो करून दिता. परत एकदा विनंती करता सगळ्या जणांनी माझ्या बरोबर एकदा मुठी आवळून भारतीय जनता पक्षाचो उद्घोष करपाचो. भारतीय जनता पार्टीचा आणि उई नेटान भारतीय जनता पार्टीचा. थँक्यू. धन्यवाद भाई. अब मैं हमारे जनप्रिय नेता प्रधानमंत्री को अनुरोध करता हूं कि वे हम सबको संबोधित करें. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़ो. देश का नेता कैसा हो वर्णन, देश का नेता कैसा हो भारत माता की. सगळ्या गोयंकरागा येवकार, मंच पर विराजमान मंत्री परिषद के मेरे साथी, देश के रक्षा मंत्री श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान लक्ष्मीकांत जी, केंद्र में मेरे साथी श्री नितिन गडकरी जी, श्रीपाद नायक जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी, गोवा के उपमुख्यमंत्री श्रीमान फ्रांसिस डिसूजा जी, सांसद श्री नरेंद्र जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान दयानंद जी, श्रीमती कुंडा जी, श्रीमान राजेंद्र जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के कन्वीनर श्रीमान राजेंद्र फड़के जी, श्रीमान अनिल होबड़े जी, सदानंद तानवड़े जी, प्रकाश वेलीपे जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों,
मैं सबसे पहले वर्तमान में गोवा में जो सरकार है उस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, गोवा वासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये 5 वर्ष गोवा के विकास के वर्ष रहे हैं। एक ऐसी मजबूत नींव वर्तमान सरकार ने रखी है जिस पर आने वाले दिनों में विकास की भव्य इमारत बनाने का हमारा सपना है। कुछ महीने पहले एक मैगजीन ने पूरे देश का सर्वे किया और उन्होंने पाया कि हिंदुस्तान में जितने भी छोटे राज्य हैं उन छोटे राज्यों में चमकता हुआ कोई सितारा है तो गोवा प्रदेश है। चाहे शिक्षा का मामला हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो, गोवा सरकार ने हिंदुस्तान के सिर्फ छोटे नहीं बड़े बड़े राज्यों को भी सबक सीखने के लिए प्रेरित किया है। ये काम गोवा ने करके दिखाया। कभी कभी हम क्रिकेट को देखने के लिए स्टेडियम बैठे होते हैं तो उतनी बारीकी का पता नहीं चलता है जितना दूर घर में बैठकर तो कोई टीवी पर देखता है। उसको बराबर समझ आती है बॉल कैसे जा रहा है, कहां कैच किया जा रहा है, फील्डर क्या कर रहा है, क्योंकि दूर से कैमरा लगे होते हैं, बराबर दिखाई देता है। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझे गोवा पूरा पूरा दिखता है और जब प्रगति की बातें देखता हूं इतना संतोष होता है, इतना आनंद होता है, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहने दिया गया है। सर्वांगीण विकास किसको कहते हैं ये गोवा की वर्तमान सरकार ने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। भाइयों बहनों, बहुत वर्षों से गोवा को एक बीमारी लगी हुई है। ये चुनाव उस बीमारी से गोवा को मुक्त करने का चुनाव है। कौन सी बीमारी है? सबसे बड़ी बीमारी है अस्थिरता। अस्थिरता ने राजनीतिक उठापटक ने, राजनीतिक खरीद बिक्री ने गोवा की सारी बातों को पीछे रख दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, जरा याद करें पुराने लोग, 90 से 2000 का कालखंड, 10 साल में गोवा ने 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री देखे थे। 10 साल में 1 डजन से ज्यादा मुख्यमंत्री, 10 साल में ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। जब भी चाहो सरकार इसी बात में व्यस्त थी कि अगला शपथ समारोह कब होगा, और इसने गोवा को बहुत पीछे छोड़ दिया और कांग्रेस को अस्थिरता बड़ी सूट कर जाती थी, क्योंकि अस्थिरता के नाम पर वो लोगों को कहते थे
इधर अस्थिरता के नाम पर खरीद बिक्री चलती थी और जनता को समझाते थे कि नहीं क्या करें भाई, अब मिश्र सरकार है, वो साथी दल वाले मानते नहीं है, इसलिए कुछ काम होते नहीं है, बच जाते थे। बड़ी मुश्किल से 5 साल पहले आपने स्थिर सरकार देने का एक प्रामाणिक प्रयास किया। गोवा के नागरिक इस बात को समझ गए, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई थी और इसलिए आपने देखा अपने स्वार्थ के खातिर आखिर में भागी गए। भाइयों बहनों, गोवा इस बात की अब गलती न करे, पूर्ण बहुमत दे, कंफर्टेबल मेजोरिटी दे। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप हमें कंफर्टेबल मेजोरिटी देंगे, हम गोवा को हिंदुस्तान का सबसे कंफर्टेबल स्टेट बना देंगे। आज पूरे देश में केंद्र में जो सरकार है वो टूरिज्म पर बल दे रही है और लोगों को लगता था टूरिज्म खत्म हो जाएगा, नोटबंदी के कारण तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, उनकी बोलती बंद हो गई। दिवाली के बाद भी टूरिज्म में बढ़ोतरी होती गई। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ता है, हिंदुस्तान में विदेश के टूरिस्ट आते हैं, सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है, जरा बोलिए ना, किसको लाभ मिलता है? दुनिया भर के टूरिस्ट कहां आना पसंद करते हैं? ये इसलिए संभव है क्योंकि गोवा की हमारी सरकार ने टूरिज्म को केंद्र में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और दिल्ली की भारत सरकार ने वीजा नियमों में ऐसा बदलाव किया है कि बहुत आसानी से टूरिस्टों को आने की सुविधा हो गई। अनेक देशों को अराइवल वीजा देने की शुरुआत कर दी, अनेक देशों को ऑनलाइन ई वीजा देने की शुरुआत कर दी। टूरिस्ट को यह सुविधाएं अच्छी लगती है और इसका सीधा सीधा लाभ अगर किसी ने उठाया है तो गोवा की जनता ने, गोवा की सरकार ने उठाया है और आने वाले दिनों में भी टूरिज्म के लिए पहले क्या होता था, सिर्फ टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो उनको लगता था कि टूरिज्म बढ़ जाएगा। अब हिंदुस्तान में ही आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहोगे, कलाकारों को लाकर के दिखा दोगे तो विदेश का टूरिस्ट आएगा क्या? ये पुरानी सरकार इस बात की समझ नहीं थी, वो यहां पर टीवी पे खर्चा करते थे। अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो विदेशों में ताकत लगानी होती है, विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी होती है, विदेशों से आने वाले लोगों को प्रेरित करना होता है। हमने हमारा पूरा फोकस सरकार की इस नीति को बदल दिया और टूरिस्ट कैसे ज्यादा आए, विदेश के टूरिस्ट कैसे आए उस पर बल दिया और राज्यों को प्रेरित किया कि जो आए वो ज्यादा दिन रुके कैसे, इसके लिए आप काम करो। ऐसा मेलजोल के साथ चल रहा है कि आज देश में टूरिज्म तेज गति से बढ़ रहा है।
और उस टूरिज्म का लाभ सबसे ज्यादा गोवा को मिलता है। टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम पूंजी निवेश के भी आगे बढ़ाया जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रोजगार की संभावना टूरिज्म में होती है। हर कोई कमाता है, रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, नाउवा वाला कमाएगा, टूरिस्ट गाइड कमाएगा, चाय बेचने वाला कमाएगा, बिस्किट बेचने वाला कमाएगा, चने ममरे बेचने वाला कमाएगा, गरीब से गरीब आदमी कमाता है। और इसलिए गोवा के आर्थिक उन्नति के लिए सबसे ज्यादा का लोगों को रोजगार देने के लिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं। व्यवस्था के लिए ब्रिज बनना बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन क्या कारण है कि 10 साल दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी कि जिसको गोवा में एक भी ब्रिज बनाने में रुचि नहीं थी, रोड़े अटकाने में लगे हुए थे। अगर गोवा में उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, छोटे सा राज्य सिकुड़ करके रह जाएगा, विकास की संभावनाएं धीरे धीरे कम हो जाएगी, लोगों को यहां से हट करके कहीं कर्नाटक कहीं महाराष्ट्र जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अगर ये रिवर्स ट्रेन चालू हो गया तो गोवा के भाग्य का होगा क्या होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ब्रिज को भी प्राथमिकता दी और हमने ये भी तय किया कि और शहर में जो ब्रिज बनते हैं और राज्य में जो ब्रिज बनते हैं वे और गोवा में जो ब्रिज बने वो उसमें आसमान जमीन का अंतर होना चाहिए। यहां हर चीज ऐसी बननी चाहिए जो टूरिस्ट के लिए आइकॉनिक हो। यहां सिंपल चीजें नहीं चल सकती क्योंकि हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और इसलिए जुवारी पुल, करीब करीब 1000 करोड़ का लागत, और 1000 करोड़ की लागत से एक ऐसा अद्भुत ब्रिज बनाने की का काम चल रहा है जो पूरा गोवा के लिए एक नया आइकॉनिक नजराना जुड़ जाएगा, टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, गोवा वासियों के लिए सुविधा का आधार बन जाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज गर्व से कह सकता हूं पिछले 50 वर्ष की सब सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने 50 साल में जितनी मदद की है उससे ज्यादा पच्चीस महीने में हमारी सरकार ने गोवा को मदद की है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ 50 साल का टोटल और दूसरी तरफ 25 महीने का टोटल, ये गति है हमारी, ये हमारी दिशा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं गोवा वासियों से आज विशेष आग्रह करने आया हूं, 4 तारीख को हम मतदान करेंगे और गोवा को एक दुर्भाग्य है, यहां अच्छा करने का उमंग वाले नेताओं से ज्यादा दूसरे का बुरा करने में आनंद आने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा है। उनको इस बात में आनंद नहीं आता कि भाई चलो गोवा का भला हो, ये भी नहीं है कि
कि मैं कुछ अच्छा करूंगा। उनका तो यही है, मैं मरूं तो मरूं लेकिन तुझे न छोड़ू। मेरे गोवा वासी, ये जो वोट कटाऊ लोग है ना, वोट काटने वाले लोग, ये लोकतंत्र का जेब काट लेते हैं, ये लोकतंत्र के जेब कतरे हैं। और लोकतंत्र के जो जेब कतरे होते हैं वो किसी के लिए भला नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ वोट काट काट करके लोकतंत्र की जेब काट लेते हैं और लोकतंत्र को नीचा दिखाने का, लोकतंत्र को वीक करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग, जैसे 1 तारीख को बजट आने वाला है भारत सरकार का, कुछ पार्टियां अभी से बैठी हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट को बुला रहे हैं, कुछ लिखने पढ़ने वालों को बुला रहे हैं और अभी से ड्राफ्ट बना रहे हैं कि 1 तारीख को भारत सरकार का बजट आएगा। अभी तो बजट आया नहीं है, बजट में क्या आने वाला है उनको पता नहीं है, लेकिन अभी से ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जैसे ही बजट पूरा हो हम ऐसा कैसा हमला कर दें ताकि गोवा में भी मैसेज चला जाए, पंजाब में भी मैसेज चला जाए, उत्तर प्रदेश भी मैसेज चला जाए, उत्तराखंड मैसेज चला जाए, मणिपुर मैसेज चला जाए। उसके लिए कागज पर अभी से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। बजट आने के बाद कोई प्रतिक्रिया दे तो हम समझते हैं, विपक्ष आलोचना करे ये भी समझते हैं, लेकिन अभी से वो मेहनत, वित्त मंत्री बजट के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा इस सरकार को बुरा भला कहने का मौका ढूंढने वाले लोग अभी से इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बजट के खिलाफ क्या बोलना। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी सोच नहीं है। कुछ लोग, पराजय सामने दिखता है तो पराजय अपने सर पर ना आए इसलिए पहले से माहौल बना देते हैं। जब उनको पता चल जाता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे एग्जाम में अगर ठीक नहीं कर रहे हैं तो कहते हैं कि टीचर ने पढ़ाया नहीं था। माँ बाप भी कहेंगे नहीं नहीं ये स्कूल बेकार है, हमारा बच्चा, फिर कहेंगे नहीं नहीं वो एग्जामिनर जो था ना उसने ठीक देखा नहीं थे, बच्चे के मार्क्स कम आए। कभी ये नहीं देखते कि उनके बच्चे ने पढ़ाई की थी कि या नहीं की थी, लेकिन कारण ढूंढते हैं। यहां भी मैं देख रहा हूं, इस चुनाव में मैंने एक पार्टी का बयान पढ़ा, वो कह रहे थे हमें आश्चर्य है पंजाब और गोवा का चुनाव साथ साथ क्यों आया, दोनों 1 तारीख क्यों, एक ही 4 तारीख को कैसे आ गया और दोनों बिल्कुल शुरू में कैसे आ गए। ये तो पीएमओ ने इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला है इसलिए आ गया है, मतलब पराजय की तैयारियां चल रही है, बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हार जाएंगे तो क्या कहेंगे, इलेक्शन कमीशन ने डेट ऐसी दे दी इसलिए हार गए। क्या चुनाव में, लोकतंत्र में लड़ाई ऐसे मुद्दों पे करोगे कि इलेक्शन के कमीशन ने डेट कौन सी दे दी। अगर एम्पायर पर ही भरोसा नहीं करते हो तो खेल के मैदान में आते क्यों। लोकतंत्र है, हमें व्यवस्थाओं को स्वीकार करना होता है, व्यवस्थाओं के प्रति आस्था बढ़ानी होती है। अगर व्यवस्थाओं पर आस्था तोड़ देंगे तो सामान्य व्यक्ति का विश्वास डिग जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति को इतने नीचे स्तर पर ले जाने का प्रयास हो रहा है कि जिसके कारण सार्वजनिक जीवन के मूल्य, उसको गिराने के लिए कुछ लोगों को गौरव महसूस हो रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान की जनता
समझदार है कि नहीं है? मुझे बताइए, समझदार है कि नहीं है? समझदार है कि नहीं है? सबके सब चुनाव में देश के हर कोने में कांग्रेस की बिदाई क्यों हो रही है भाई? पिटाई क्यों हो रही है? समझदार है कि नहीं लोग? जो समझ हिंदुस्तान के हर नागरिक को है, उससे ज्यादा समझ गोवा के नागरिकों को है। गोवा का नागरिक कांग्रेस के कुशासन को देख चुका है, भ्रष्टाचार की पाप लीला को भुगत चुका है, खरीद बिक्री के खेल देखे हैं। अब कभी भी हम गोवा को ऐसी मुसीबतों में फंसने नहीं देंगे। ये इस चुनाव के अंदर आप लोगों को निर्णय करना है। भाइयों बहनों, राजनीतिक विचार हो सकते हैं, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, निर्णय की आलोचना हो सकती है, लोकतंत्र में वो स्वाभाविक भी है, लेकिन भाइयों बहनों, पीड़ा तब होती है जब राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल विकास के मुद्दे पर चर्चा करने से भागते हो। देश में चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए। देश में सरकारों की कसौटी विकास के तराजू से तोलनी चाहिए। हिंदुस्तान के सामान्य मानवीय के जीवन में बदलाव तभी आने वाला है। भाइयों बहनों, आज दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान में वर्षों के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसमें हिम्मत है, हिम्मत से फैसले भी लेते हैं। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में, मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जापान में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चीन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेपाल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाइयों बहनों, ये जय जयकार क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है जय जयकार हो रहा है? पूरी ताकत से बताइए, क्या कारण है जय जयकार हो रहा है? मोदी के कारण नहीं हो रहा है। ये जय जयकार हो रहा है 125 करोड़ हिंदुस्तानवासियों ने 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी। अगर दिल्ली में अस्थिर सरकार होती तो आज विश्व हिंदुस्तान की तरफ जिस प्रकार से देख रहा है नहीं देखता। क्या गोवा में भी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ स्थिर सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में गोवा का डंका बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने में गोवा का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं, पूर्ण बहुमत के साथ साथ मैं कंफर्टेबल मेजोरिटी कहता हूं, आने वाले 5 साल में जो काम 50 साल में नहीं हो पाए वो मुझे करके दिखाना है गोवा में, क्योंकि दुनिया भर से मैं टूरिस्टों को लाना चाहता हूं। विश्व भर में जो वातावरण बना है वो मैं गोवा की झोली भरने के लिए लगाना चाहता हूं, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। भाइयों बहनों, समय की मेरी सीमा है, सूर्यास्त से पहले हेलीकॉप्टर को उड़ाना पड़ता है, और ये फिर फौज का हेलीकॉप्टर है तो उनके नियमों का मुझे पालन करना पड़ता है। रक्षा मंत्री यहां बैठे हैं, मैं नियम तोड़ नहीं सकता हूं,
लेकिन भाइयों बहनों, मैं गोवा का इस बात के लिए आभारी हूं कि देश को उन्होंने ऐसा मजबूत रक्षा मंत्री दिया है। आज पूरा विश्व सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा कर रहा है। अभी भी लोग स्टडी कर रहे हैं कैसे हुआ, बोले आपके जवान वहां कैसे पहुंच गए। मैंने कहा मैं जब लाहौर गया था दिन में गया था, गाजे बाजे के साथ गया था, तो भी दुनिया चौंक गई थी कैसे पहुंच गया। मैंने कहा भाई अगर हिंदुस्तान एक बार ठान लेता है तो उसके जवान पराक्रम करके दिखाते हैं, देश की शान बढ़ा देते हैं। इस देश में गरीबी हटाने के भाषण करने की फैशन हो गई है, भ्रष्टाचार हटाने के भाषण करने की फैशन हो गई है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हटाने के लिए कोई कदम उठाया जाए तो उनको पता चलता है ये पहला हमला हमारे पर ही हो गया। आपके पड़ोस में कर्नाटक में कांग्रेस के मंत्री के घर से 150 करोड़ से ज्यादा नई नोटे, काला धन, सोना क्यों भाई? और आपने देखा होगा कर्नाटक सरकार को कोई परेशानी नहीं है, वो तो होता रहता है। उस मंत्री को अभी तक इस्तीफा भी नहीं लिया गया है, उस मंत्री के खिलाफ नोटिस भी नहीं दी गई है। क्या आप ऐसे भ्रष्टाचार को गोवा में लाना चाहते हो, ऐसे पनपाना चाहते हो? मैंने उदाहरण बहुत काफी होते हैं, सारे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ी है और छोटा आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। बड़े बड़े कद्दावर लोग होते हैं और ये मेरे पर जो जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म इसी बात का हो रहा है कि मेरे से उनको परेशानी हो रही है। 70 साल तक जो जमा किया है वो मोदी निकाल रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, ये सरकार गरीबों के लिए है, गरीबी से मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गरीब की जिंदगी में बदलाव आए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे कदम कठोर होंगे लेकिन देश की भलाई के लिए होंगे, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं होंगे। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के एक ईमानदार प्रयास का हिस्सा होंगे। और इसलिए मैं आज गोवा वासियों से अनुरोध करने आया, 4 तारीख को मतदान है, सर्वाधिक मतदान हो, फिर एक बार गोवा को स्थिर सरकार मिले, कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर एक बार कमल पूरी ताकत से खिले और जैसे कमल खिले वैसे मेरा गोवा भी खिले। भाइयों बहनों, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार यहां के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, उनके पुरुषार्थ को बधाई देता हूं। गोवा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो कोशिश की है उसको बधाई देते हुए मेरी बात को पूर्ण करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। पहली म्हणजे हांव समेस्त गोंयकारांचे जे एक व्हडा संख्येन म्हज्या पणजेक आयले भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिवपाक,
एक निर्विवाद सरकार स्थापन करपाक हांव तांचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानता. आमचे पंतप्रधान जी तांणी आपलो मोलादीक वेळ काढून हांगा आयले, गोंयकारांक संबोधित केले, एक प्रेरित केले, तांचे हांव मना काळजांतल्यान आभार मानता. नितीन गडकरी जी जे गोंयचे उदरगती खातीर गोंय सरकाराक भरीव मदत करतात, आमचे केंद्रीय नेते मनोहर भाई, श्रीपाद भाऊ, बाकी सगळे नेतेगण, पत्रकार बंधू, हांचे हांव सगळ्यांचे आभार मानता आणि सभा सोपली अशी जाहीर.